एक दिन वो भी आएगा। ये जो तीन तीन शादियों की वकालत करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे पर तो तमाचा पड़ेगा ना अगर ऐसा हो गया तो ये तो अच्छा फैसला है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। महिलाओं को के हाथों में भी ताकत मिलेगी, इसी वजह से ज्यादा दर्द होता है आप लोगों को। चित्रा जी देखिए, हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि आप कह रहे हैं यूसीसी का सारा बड़ा मेल मकसद पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह के यहाँ पे कंट्रोल करना है। हाँ। आपको पता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने लोग बहुविवाह करते हैं? बीजेपी की सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, उनके पति जी बहुविवाह किए। एक सेकंड सर, देखिए यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए शोएब जमाई, किसी के भी पर्सनल अटैक करना, एक सेकंड, यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। शोएब जमाई एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। शोएब जमाई जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की शादी पर बैठकर आप यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ पर एक मुद्दे पर बातचीत हो रही है और मुद्दे नहीं, नहीं सुनिए शोएब जमाई, बहुविवाह की बात हो रही तो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा ना। जिन लोगों ने एक सेकेंड जो लोग इस तरह का प्लान बना रहे हैं तो अच्छा है ना, उनके ऊपर भी लागू होगा, ये तो देश की बेहतरी के लिए होगा, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। आपको एक ही मुद्दा मिला है, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले लें और बताएं कि इन्होंने बहुविवाह किया है और उन लोग उनकी ओर से कैसे किया गया। सवाल पूछ लीजिए, अगर इनके घर में इनसे कहा जाए कि तीन और मर्दों के साथ एक छत के नीचे रहेंगे, सवाल तो महत्वपूर्ण है, ये तीखा आपको लग सकता है शोएब जमाई, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, इक्वालिटी ऑफ जेंडर। अगर महिलाओं को ज्यादा ताकत दिया जा रहा है इसके जरिए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। क्यों करते हैं एक पुरुष तीन विवाह? महिलाओं को इस तरह का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? महिलाओं के साथ क्या बर्ताव होता है ये बताने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में है मैडम, नॉर्थ ईस्ट में है। वैसे तो हर मुद्दे पर आप लोग कहते हैं कि समान ताकत चाहिए, संविधान का हवाला दिया जाता है, लेकिन जैसे ही बात आएगी समान नागरिक संहिता की, पर्सनल लॉ आप लोगों का तुरंत आ जाएगा बीच में। पूरा बताते ना, हम पूरा बताते हैं, नागालैंड मिजोरम में पॉलीएंड्री की इजाजत है। अरे नागालैंड मिजोरम भी आ जाएगा ना, नागालैंड मिजोरम थोड़े ना देश के बाहर है। अगर समान नागरिक संहिता की वकालत पूरे देश के लिए हो रही है तो क्या वो बाहर ही यहाँ से? जो नॉर्थ ईस्ट के नेता है तो कुछ नहीं पता, पता कर लीजिए कि वो पॉलीएंड्री को चाहते हैं या संगीत को चाहते हैं। समझ में आ गया आपकी सोच क्या है, वो तीन विवाह पर अभी तक मुंह नहीं खुला आपका और मुस्कुराते रहिए आप इस बात पर। देखिए 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 चित्रा जी, पहला सवाल यह है, क्या ये अन्य धर्मों के या किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है क्या? मुझे लगता है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके धार्मिक मान्यताओं में घुसपैठ नहीं करता है। वह मेंटेनेंस, एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, यही और इनहेरिटेंस, इन्हीं चीज़ों को जो सिविल मैटर्स हैं इन्हीं मामले पर वो बात करता है। आप शादी कैसे करते हैं, निकाह कैसे पढ़ाते हैं, ये उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज जानिए कि जो नहीं, जो एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, बस एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ। हाँ, आप मुझे बताइएगा। हाँ, हिंदू पुरुष एक विवाह कर सकता है बिना तलाक के, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, नहीं है। कर सकता है। मुस्लिमों में ये लागू नहीं है, नहीं लागू। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या सब समान तरीके से लागू हो जाएगा या नहीं लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, लागू हो जाएगा ना, वही बात है, वही बिल्कुल लागू होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक और चीज देखिएगा, दो यहाँ पर संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसी आधार पर ये कह रहा हूँ कि जो सेकुलर डोमेन है, रिलीजियस फ्रीडम जो है आपको मिला हुआ, लेकिन स्टेट चाहे तो सेकुलर डोमेन को रेगुलेट कर सकता है, ये अधिकार है स्टेट को। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन का मामला हो, तो टैक्स एक सेकुलर मामला है, उस पर जो है पिलग्रिम टैक्स यदि आपको लगाना हो, और यदि सरकार यदि हिंदू पिलग्रिम टैक्स लगा रहा है तो मुस्लिम पिलग्रिम टैक्स भी लगा सकता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अकेला हिंदुओं पर लगाए या अकेला मुसलमानों पर लगाए तब वो गलत होगा। तो इसलिए मैं यहां करेक्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस इत्यादि पर ये लगाता है तो ये सेकुलर डोमेन है, इन सेकुलर डोमेन में स्टेट को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तीसरी बात, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 7 ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं, 7 ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल।